दोस्तों दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं जो कि अपनी किसी न किसी आदत खूबी या ख़ामी की वजह से अपने हल्के अहबाब में काफ़ी मशहूर होते हैं लेकिन एक ख़ास चीज़ जो ऐसे लोगों को ना सिर्फ अपने दोस्तों में बल्कि हजूम में भी अहमियत का बास बना देती है और वो है इनका आम इंसानों की बनस्बत काफ़ी लंबा कद लंबे कद के बेपना फ़ायदे हैं लेकिन इनके साथ साथ कुछ ऐसे मसायल भी हैं जो कि रोजमर्रा की ज़िंदगी को दुशवार और परेशान कन बना देते हैं अमूमन ऐसा कम ही होता है कि हमें कोई बहुत ज़्यादा लंबे कद की औरत देखने को मिले लेकिन अगर कोई लंबे कद वाला इंसान खास तौर पे औरत अचानक से हमारे सामने आ जाए तो हमारा कुछ ऐसा रिएक्शन होता है आमतौर पर बहुत ज़्यादा लंबे कद की वजह हार्मोनल इंबैलेंसमेंट या पिच्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होता है जिसका अगर इनिशियल स्टेज पर प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो जान बच सकती है वरना काफ़ी कम उम्र में ही ज़्यादा लंबे कद के लोग फौत हो जाते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 दस हैकल कद वाली औरतों के बारे में बताएंगे जिनका कद यहाँ तो सबसे लंबा है या रह चुका है तो चलिए शुरू करते हैं उर्दू हब में खुश आमदीद दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके गीतिका श्रीवास्तवा एक इशार्य चार अरब की आबादी के साथ इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है लेकिन इस एक इशारे चार अरब लोगों में से एक औरत गीतिका श्रीवास्तव है जिसका कद 6 फुट ग्यारह इंच है गीतिका के वालिद का कद सात फुट चार इंच था और वो इंडियन बास्केटबॉल टीम में भी कई साल खेल चुके थे गीतिका का लंबा कद उसको एक तरह से अपने वालिद से विरसे में मिला था अपने वालिद की तरह कम उम्र में जुनून और, और फैमिली सपोर्ट की वजह से उसने बहुत ही कम उम्र में काफी कामयाबी हासिल कर ली लेकिन जैसा कि अक्सर बहुत ज्यादा लंबे कद वाले लोगों के साथ होता है गीतिका के घुटनों और कमर में ज्यादा बास्केटबॉल खेलने की वजह से दर्द होना शुरू हो गया था जिसकी वजह से उसने बास्केटबॉल अब वो कैनेडापोर के के से ज्यादातर सेमिनार्स में मोटिवेशनल लेक्चर होते हैं उल्झना समझनोवा उन्नीस सो सत्तर से लेकर 1980 तक वोमन बास्केटबॉल की दुनिया में सबसे मशहूर नाम सात फीट लंबी सोवियत यूनियन से ताल्लुक रखने वाली उलझना समझनोवा का था

इस शहरत के अलावा उलझना के पास उस टाइम एक और एजाज़ भी हासिल था और वो था उस टाइम की दुनिया में मौजूद तमाम औरतों में सबसे बड़े साइज के पाओ का मेडिकल साइंस के हिसाब से ऐसा काफी कम होता है कि सात फुट या इससे लंबे कद के लोग पचास या पचपन साल से ज्यादा जिंदार हैं लेकिन उलझना समझना हमारी लिस्ट पर मौजूद वो वाद खातून है जो सिक्सटी साल की उम्र में भी अभी तक हयात है जैनब बीबी पाकिस्तान के एक बहुत ही छोटे लेकिन खूबसूरत शहर टोबा टेक्सिंग से तल्लुक रखने वाली जैनब बीबी का कद सात फुट दो इंच था जैनब एक गरीब घराने में पैदा हुई थी और माली वसायल ना होने की वजह से उन्हें बेपना मुश्किल का सामना भी था अपने घर का खर्च चलाने के लिए जैनब और उसकी बहन घर में पकौड़े बनाकर बेचा करती थी उन्नीस सौ अठानवे में पाकिस्तान में पहली बार जैनब बीबी का टीवी पर एक इंटरव्यू नशर हुआ जिसके बाद जैनब बीबी को दो साल पहले तक बहुत सारे टी शोज में बतौर गेस्ट बुलाया जाने लगा और फिर उनका दुनिया घूमने का सिलसिला शुरू हुआ और माली हालात भी कुछ बेहतर होना शुरू हो गए लेकिन जैसा कि एक कॉमन बात मशहूर है कि लंबे कद के लोगों से कि वो ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाते इसी तरह यही कुछ जैनब बीबी के साथ हुआ छियालीस साल की उम्र में जैनब बीबी दो हजार अठारह में फैसलाबाद के अलाइड हॉस्पिटल में इंतकाल कर गईं मार्गो डेडिक अट्ठाईस अप्रैल उन्नीस सौ चौहत्तर को पोलैंड के दारुल खिलाफा वारसा में मार्गो डेडिक पैदा हुई मार्गो के वालिद का कद छ फीट सात इंच और वालदा का कद छ फीट तीन इंच था तो एक तरह से लंबा कद मार्गो को अपने वाले से विरसे में मिला था सोने पर सुहागा यह की मार्गो को बास्केटबॉल का बेपनाह शौक था जिसकी वजह से उसका कद सात फीट दो इंच हो चुका था चौबीस साल की उम्र में मार्गो प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बन चुकी थी और काफी तेजी से कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी जिसमे उसे बेशुमार अवार्ड भी मिले इन अवार्ड्स में से आखिरी अवार्ड था मार्गो को फीबा हॉल ऑफ़ फेम में शामिल करना। 19 मई 2011 को जब मार्गो अपने तीसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी तो अचानक से उसे शिद्दत का कार्डिक पेन उठा और सैंतीस साल मार्गो कोमा में चली गई और महज आठ दिन के बाद उसकी बच्चे समेत मौत वाक्य हो गई सन फैंग अगर हाल की मौजूदा लंबे कद वाली जिंदा औरतों के हिसाब से देखा जाए तो सन फैंग इस टाइम की दुनिया की सबसे लंबे कद वाली औरत है जबकि ओवरऑल वो तारीख की छठी सबसे लंबे कद वाली औरत है इस लिस्ट पर मौजूद तमाम औरतों में से सन फैक् सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता औरत है जिन्होंने वुहान यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स कम्प्लीट किया सन फैंग ने अपने लंबे कद की वजह से काफी सारी मुश्किल का सामना करते हुए बड़ी बहादुरी के साथ अपने आप को एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल लेडी के तौर पर दुनिया में मनवाया सनफेंक की हाइट सात फीट तीन इंच है और इसको अक्सर लोग याओ डिफेंस समझ लेते हैं क्योंकि दोनों की शक्लें काफी हद तक मिलती हैं और दोनों ही बेदाक लंबे कद की मालिक हैं। आजकल सनफैंक शदीद किस्म की मेडिकल सिचुएशन फेस कर रही हैं जिसमें ज्यादातर हड्डियों के दर्द हैं इला इवेंग इलांग अमेरिका की मिजोरी स्टेट में अठारह में पैदा हुई सात साल की उम्र तक इला नॉर्मल बच्चों की तरह बड़ी हो रही थी लेकिन सात साल की उम्र के बाद उसके कद बढ़ने की स्पीड में काफी ज्यादा तेजी आ गई और सिर्फ दस साल की उम्र में उसका कद फिट हो गया था जब मेडिकल टेस्ट और डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया गया तो मालूम हुआ जैसा कि अक्सर लंबे कद वाले लोगों के साथ होता है कि इला के पिछुट्री ग्लैंड में ट्यूमर था इस ट्यूमर का इलाज उस टाइम काफी महंगा था और चूंकि इला के वालदे काफी गरीब थे तो वो इस इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे हत्या के इलाके वालदे ने जिस हद तक वो कर सकते थे इला के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन वो अपनी गुरबत की वजह से कुछ ज्यादा ना कर सके हाँ अलबत्ता ज्यादा लंबे कद की वजह से इला को टेम्प्रेरी तौर पर सर्कस में जॉब मिल गई लेकिन महज इकतालीस साल की उम्र में वो फौत हो गई थी चूंकि ये काफी पुरानी बात है और इला की हाइट को लेकर काफी गलत इंफॉर्मेशन भी मौजूद है जिसमें उसे आठ फीट चार इंचिस का बताया गया है जो कि गलत है इला की रियल हाइट सात फीट चार इंच थी डिलोर्स पुलार्ड 13 अगस्त 1946 में डेलोर्स पोलार्ड पैदा हुई जो आम बच्चों की तरह एक नॉर्मल बच्ची थी जिसके भी एवरेज हाइट वाले इंसान थे लेकिन कुछ ही सालों में ब्रेन तो के, के पिछुटरी ग्लैंड में ट्यूमर था डिलोर्स के कद को लेकर काफी कन्फ्यूजन है क्यूँकी बुकौल उसके और उसकी फैमिली के डिलोर्स की हाइट आठ फीट दो इंच थी जबकि उसकी रियल हाइट सात फीट और पांच इंच थी अपने लंबे कद की वजह से डिलोर्स ने तीन साल ट्रैवलिंग कार्निवल्स में काम किया लेकिन सिर्फ उम्र में सर्जरी होने की मौजूदगी में तो सात फिट पांच इंच था सैंडी एलन सैंडी एलन 18 जून 1955 को अमेरिका के शहर डेलमर में पैदा हुई लेकिन पेदाइश के कुछ ही सालों के बाद सैंडी के वाले को लगने लगा कि उनकी बच्ची के साथ कोई मसला है उन्होंने अपनी बच्ची के कुछ चेकअप्स करवाए जिसके बाद उनको पता चला कि उसके पिचुटरी ग्लैंड में ट्यूमर है जिसकी वजह से उसके जिसम के ग्रोथ हार्मोन्स काफी स्पीड से बढ़ रहे हैं सैंडी का कद महज 10 साल की उम्र में 6 फिट 3 इंच हो चुका था जिसके बाद सैंडी की ट्यूमर सर्जरी हुई और उसके जिसम की ग्रोथ स्पीड काफी स्लो हो गई अगर ये सर्जरी ना होती तो जिस स्पीड से सैंडी का कद बढ़ रहा था इससे ये बात बकौल डॉक्टर्स के कंफर्म थी कि शायद वो कुछ ही साल जिंदा रह पाए लेकिन सर्जरी के बाद सैंडी को जैसे जिंदगी की एक नई उम्मीद मिल गई थी इसी उम्मीद और मुस्बत रवैये के साथ सैंडी ने अपनी जिंदगी गुजारने शुरू कर दी और जब तिरपन साल की उम्र में उसके मरने से कुछ अर्सा पहले आखिरी बार जब उसके कद को नापा गया तो वो सात फीट पांच चार इंचिस था तकरीबन 25 साल तक सैंडी एलन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में टॉलेस्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड रह चुकी है जिसको बाद में याओ डिफैन ने हाइट में क्रॉस किया था यान याओ यावडिफैन हमारी लिस्ट पर मौजूद दूसरी चाइनीज औरत है और उसके साथ साथ दुनिया की तारीख की दूसरी सबसे लंबे कद वाली औरत भी रह चुकी है याओ यावडिफैन बहुत ही गरीब घराने में पैदा हुई थी और पैदाइश के कुछ ही सालों के बाद उसके घर वाले उसकी तेजी से बढ़ते कद को लेकर काफी परेशान हो गए थे जिस घर में दो वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी हो पाती हो वो बेचारे महंगा इलाज कहाँ से अफोर्ड कर पाते वक्त गुजरता गया और याओ पंद्रह साल की होगी लेकिन पंद्रह साल की उम्र तक पहुँचते तक याओ का कद और छो इंच हो गया था लंबे कद से मुता जितनी भी जिस्मानी तकलीफें हो सकती थीं तकरीबन सभी थीं याओ को लेकिन जैसे ही याहू का कद सात फिट से बड़ा तो उसके लिए चलना फिरना यहाँ तक कि सुकून से बैठना भी अजाब बन गया था एक ब्रिटिश चैनल की मदद से याओ के इलाज के लिए काफी फंड रेजिंग हुई जिससे उसकी पहली सर्जरी हो गई लेकिन कुछ ही सालों बाद जो ट्यूमर सर्जरी के जरिए हटा दिया गया था वो दोबारा पैदा हो गया और इस बार ट्रीटमेंट से पहले ही याओ फोत हो गई तेरह नवंबर 2012 में याओ का चालीस साल की उम्र में इंतकाल हो गया और गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से याओ का कद सात फीट और आठ इंचज था जेंग जिनलियान जून 26, 1964 को चाइना के खूबसूरत सूबे हुनान में एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम जेंग जिनलियन रखा गया

जेंग के पिचुटी ग्लैंड में ट्यूमर था जिसकी वजह से उसका कद गैर यकीनी स्पीड से बढ़ रहा था उसके वालदेन अपना सब कुछ ख़त्म करके अपनी बेटी के इलाज में लग गए लेकिन जेंग का कद बढ़ने की स्पीड टेम्प्रेरी तौर पर स्लो जरूर हो गई लेकिन रुकी नहीं तेरह साल की उम्र में जेंग का कद सात फिट एक इंच हो चुका था और महज सत्रह साल की उम्र में वो फौत हो गई थी लेकिन फौत होने से पहले उसका कद आठ फीट एक इशारिया पचहत्तर पहुंच गया था जो कि आज तक की इंसानी तारीख में और तो में औरतों सबसे लंबा कद है वीडियो के आखिर में हमारे अपने व्यूअर्स से एक छोटा सा सवाल है कि आपने अपनी जिंदगी में सबसे ऊंचे कद वाला इंसान कौन सा देखा है हमें कमेंट्स में नाम लिखकर जरूर बताइएगा अगर आप हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं किसी भी खास टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट्स में अपनी कीमती राय के साथ जरूर बताइएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा शख्स है जो अपने दांतों से ट्रेन खींच सकता है तो यहाँ क्लिक करें अगर आप दुनिया का सबसे ताकतवर बच्चा देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें और इन सब के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे चैनल की हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके आपकी कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया